आम चुनाव से पहले केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार पहले से चली आ रही परंपराओं का पालन करते हुए आज उन्होंने अंतरिम बजट पेश कर दिया। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि उनकी सरकार ने कमर तोड़ महंगाई की कमर तोड़ कर रख दी है। उन्होंने बजट को आगे पढ़ते हुए कहा कि किसानों की आय बढ़ी है, वित्तीय घाटे पर लगाम लगाई गई है और राज्यों को ज्यादा पैसे गए हैं। पीयूष गोयल ने कहा कि बहुत तेजी से बैंकिंग में सुधार हुआ है और बीते 5 सालों में बड़े पैमाने पर विदेशी निवेश आया है। बैंकों के एनपीए की बात करते हुए कहा कि 3 लाख करोड़ के एनपीए की वापसी हुई है। बड़े कारोबारियों पर कर्ज वापस देने का दबाव बढ़ा है और उन्होंने कहा कि रेरा के रियल एस्टेट में पारदर्शिता आई है। आर्थिक आरक्षण पर बात करते हुए गोयल ने कहा कि देश के संसाधनों पर पहला हक गरीबों का है, इसके लिए 10% आरक्षण गरीबों के लिए निश्चित किया गया है। वही आयुष्मान योजना का जिक्र करते हुए कहा कि अब तक लगभग 10 लाख गरीबों का मुफ्त इलाज किया जा चुका है। वही किसानों के लिए ऐलान करते हुए कहा कि छोटे किसानों को हर साल 6,000 रुपए प्रतिवर्ष की मदद दी जाएगी। इसे सितंबर 2018 से लागू किया जाएगा। इससे 12 करोड़ किसानों को फायदा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, BHBC News।